तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अगले कंसेप्ट को कवर करना शुरू करेंगे। और इस कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है, कब, जब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन ये कैसे काम करता है, आज हम लोग इस सारी चीजों को कवर करेंगे। आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में एडियाबेटिक, आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन सीखे थे, जहां से एक इक्वेशन हम लोग निकाल कर लाए थे कि टोटल वर्क डन जो होता है वह कितना होता है, -2.303 nRT log log वी टू अपॉन वी वन, या -2.303 RT log P1 अपॉन P2। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। आज हम उसी क्लास के आगे के कंसेप्ट को कवर करना शुरू करेंगे। और इसमें जो होगा, आज हम लोग क्या सीखेंगे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन किस तरह से काम करता है और इसका फेनोमेना किस आधार पे काम करता है। ठीक है, देखो, अगर कोई भी कंसेप्ट हम लोग जब कवर करना शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा प्रोसेस, अगर मान लीजिए कि किसी भी कंटेनर में कोई मॉलिक्यूल्स को लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, और उस कंटेनर में अगर वो पार्टिकल जो है वो इंसुलेटेड हो, मतलब कि वो पूरा का पूरा कंटेनर जो है एक फिक्स कंटेनर के रूप में काम करे, ध्यान रखेंगे वो एक इंसुलेटेड सिस्टम हो, तो ऐसे स्थिति में पाथ जो हमारे पास, जब सिस्टम कैसा हो, इंसुलेटेड हो, तो इंसुलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ्यूजन तो होगा नहीं। जब हीट का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम में, और इंसुलेटेड सिस्टम में हीट का ट्रांसफ्यूजन नहीं होने के चलते क्या होगा कि उस जो हीट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन के दौरान जो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वह क्या होगा, नेग्लिजेबल, यानी जीरो के बराबर होगा। तो एक काम करो, एक दो लाइन इसमें लिख लो, अ प्रोसेस, इसमें लिखो अ प्रोसेस कंडक्ट, हुजवाल लिखिए, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन अ वेसल्स हुजवाल आर परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट no heat can, so that no heat can, no heat can exchange, no heat can exchange between system and surrounding, no heat exchange between system and surrounding। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और जैसे ही हमारे पास Q की वैल्यू जीरो होगा, चूंकि Q इज इक्वल टू जीरो, तो डेल E इज इक्वल टू जीरो माइनस W, तो डेल E इज इक्वल टू कितना, माइनस W। ये हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे जो वर्क डन है वो कैसा है, एक्सपेंशन है। तो जैसे सिस्टम का वर्क डन क्या होता है, एक्सपेंशन है, तो आप नीचे लिखिए कि सिंस द वर्क डन या वर्क इज डन, ऐसा लिखो, द सिंस द वर्क इज डन डन एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, ऑफ एक्सपेंस इन इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी इज रिड्यूस्ड, द इंटरनल एनर्जी इज रिड्यूस्ड रिड्यूस एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स, एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स
हो गया। नीचे लिखो कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी फॉर एन इन्फिनिशियल इंक्रीज, इन्फिनिशियल इंक्रीज वॉल्यूम डी वी, थोड़ी सी इनकी वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डी वी एट प्रेशर पी, एट प्रेशर पी, देन वर्क डन इज इक्वल टू, देन वर्क डन ऑफ द गैस इज, देन वर्क डन ऑफ द गैस इज इज पी डी वी, देन वर्क डन ऑफ द गैस इज पी डी वी, कितना आएगा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा पी डी वी, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या वर्क डन। तो देन इस ऐसी कंडीशन में देन इंटरनल एनर्जी, देन इंटरनल एनर्जी विल भी क्या होगा डेल ई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, देन इंटरनल एनर्जी विल बी रिड्यूज, विल बी रिड्यूज्ड। कहा कि एक आइडियल गैस है, पहला चीज है कि आइसोथर्म, यहां पर क्या है एक एक्सपेंशन हमारे पास हीट का जब एक्सचेंज नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में जो चेंज इन हीट जो होगा वो जीरो होगा, जब हीट जीरो होगा तो ऐसे स्थिति में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्या हीट माइनस वर्क डन, क्योंकि हीट की वैल्यू क्या है जीरो है तो चेंज इन एनर्जी क्या है वह वर्क डन यानी कि रिड्यूज वर्क डन है, ठीक है। जैसे ही यहां पर वर्क डन रिड्यूस होता है एक्सपेंडिशन की कंडीशन होता है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या करती है घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका प्रेशर है पी और उसमें वॉल्यूम कितना है वी, तो जैसे ही प्रेशर पी और वॉल्यूम वी, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जैसे ही उसकी वॉल्यूम की थोड़ी सी इंटरचेंज होती है, मतलब क्या होता है डी वी थोड़ा सा इंटरचेंज होता है, तो सिस्टम द्वारा वर्क डन कितना होगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, तो वर्क डन जो होगा वो पी इंटू डी वी होगा, तो यहां से इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस पी डी वी। यहां से क्या सिस्टम बता रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। चलिए यहां के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो जरा बताइए कि हमारे पास जो भी हम लोग इक्वेशन हम लोग सीखे हैं तो डेल ई इज इक्वल टू क्या PdV। अब चेंज इन एनर्जी जो अगर हमारे पास कहा जाए तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट हम लोग DE इज इक्वल टू माइनस PdV, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड। और आपको पता है कि जो मोलर हीट ऑफ कैपेसिटी आप पढ़े हो ना कि तो मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है द मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं सी भी इज इक्वल टू क्या होता है सी भी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में डेल टी, या आप इक्वेशन पहले से पढ़ के बैठे हुए, ठीक है। तो यहां से आपको डी ई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं सी भी इंटू डी टी लिख सकते हैं, और जैसे ही सी भी इंटू डी टी होगा तो यहाँ डी ई अब इक्वेशन नंबर इसको आप चार मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन चार में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ई इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या करें किसमें पुट करें ऊपर वाले में पुट कर दें इक्वेशन थ्री, तो कितना निकल कर आएगा माइनस पी डी वी इज इक्वल टू, या आप एक काम करो तो इक्वेशन नंबर इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा सी भी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इक्वेशन हमारे पास निकल कर आता है अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सी भी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी आ गया, ठीक है। आपको यहां से थोड़ा सा बहुत क्लियर करके देखो डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है,
आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी भी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है वो वन मोल है, तो पी भी इज इक्वल टू क्या, एन की वैल्यू कितना है, वन मोल है, लोग पहले ही पढ़े हैं, तो पी भी इज इक्वल टू क्या होगा, आरटी। तो यहां से पी भी इज इक्वल टू, जैसे ही आरटी आया तो भी इज इक्वल टू क्या होगा, आरटी अपॉन में पी, भी इज इक्वल टू आरटी अपॉन में पी। या आप एक काम करो, चूंकि यहां पी है तो आप यहां से निकाल सकते हो पी इज इक्वल टू आरटी अपॉन में कितना, भी। अब उठाकर इसमें रख दो, ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर पांच मान लो, ठीक है, तो एक काम को इसे पांच मान लो और इसे मान लो छ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फाइव, पांच में पुट करो, कितना मिलेगा, सी भी डी टी इज इक्वल टू माइनस क्या, आर टी अपॉन में भी, और ये क्या हो गया डी भी, और माइनस आर टी अपॉन में डी भी इंटू डी भी, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी भी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी और डी भी अपॉन में भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन मिला, टी को आप नीचे लेकर आओगे तो लिख सकते हो सी भी डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू माइनस आर डी भी अपॉन में भी ले सकते हैं। ये इक्वेशन एक और बन गया, इस इक्वेशन को आप लोग ले लो कितना नंबर, छह नंबर इक्वेशन, ठीक है, छह इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हो गए। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि एक टेम्परेचर नीचे है और नीचे वॉल्यूम है, तो हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान रखें नॉट डिफरेंशिएट, क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक और वॉल्यूम V1 से लेकर V1 V2 तक। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 6 फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक और V1 से लेकर कहां तक V2 तक इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो यहां पे जो है CV, तो ये हो गया आपका CV और T1 से लेकर T2 तक dt अपॉन में क्या t, और यहां पर माइनस r और इसे कहां तक dv अपॉन v, V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। अब जो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है कितना, log, कितना होता है भाई, 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log कितना, तो log जो हमारे पास होता है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो होगा वो log में आएगा, और जैसे ही यहां से क्या निकल कर आएगा cv, और यहां पर होता है ln t2 और क्या t1, ठीक है। तो जैसे ही t2 और t1 आएगा, तो यहां से हम लोग इक्वेशन को यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो t2 ln t2 माइनस ln क्या t1, तो इसी को हम लोग चूंकि या यहां से माइनस r और कितना ln v और कहां से कहां तक v1 से लेकर v2 तक। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी भी ln t2 माइनस ln t1 और यहां से माइनस r ln v2 माइनस ln v1 ले सकते हैं यहां से। इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं कि सी भी ln, ध्यान रखेंगे cv ln और t2 अपॉन में कितना t1, log, पढ़े होंगे कि log t2 of x अपॉन में y जो होता है वह log x माइनस log y होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं cv ln t2 अपॉन t1 और माइनस r ln v2 अपॉन में v1, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। अगर आपको याद होगा कि एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं r इज इक्वल टू क्या होता है, एक इक्वेशन होता है cp माइनस cv इज इक्वल टू r, एक रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं, cp माइनस cv जो होता है वह r के बराबर होता है, ठीक है, एक रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं कि cp माइनस cv इज इक्वल टू r।
अगर आप r की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे तो क्या निकल कर आएगा? अगर आप यहां r की वैल्यू रखेंगे तो सीधी ln T2 अपॉन T1 और क्या हो जाएगा, माइनस CP माइनस CV ln V2 अपॉन में। यहां तक देख के बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब जो यहां पे CV है यहां पे मल्टीप्लाई इसको इधर भेजेंगे तो ln T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू CP माइनस CV अपॉन में CV और ln V2 अपॉन में V1। ठीक है, यहां तक हमको मिल गया। अभी जो CP अपॉन CV अगर इसको आप काटोगे तो कैसे लिख सकते हो, ln T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं CP अपॉन में CV, क्या लिख सकते हैं CP अपॉन में CV और माइनस CV अपॉन में CV ln V2 माइनस V1, यहां से कटेगा तो ln T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू CP अपॉन में CV माइनस 1 और क्या ln V2 अपॉन में V1। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब आपको बताएं कि CP अपॉन CV को ध्यान रखेंगे, CP अपॉन CV को हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, इसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, CP अपॉन CV को एक हम कांस्टेंट मानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। अगर इसे हम कांस्टेंट मान ले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, ln, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ln इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहां से ln T2 अपॉन T1 और लैम्डा माइनस 1, सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा नंबर किसको गामा मान लेते हैं, आपकी बुक में कहीं पर लैम्डा लिखा है कहीं पर गामा लिखा है। ठीक है, तो गामा माइनस 1 और क्या हो जाएगा, ln V2 अपॉन में V1, एक रिलेशनशिप हम लोग को यहां से मिल गया। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी log है और यहां पर भी क्या है, ln है। ठीक है, तो जब ln आपस में क्या होता है कि अगर आप इसी को क्या करें, ऐसी स्थिति में अब यहां पे क्या है कि ln की पार्ट 1 है, यहां पर ln सॉरी गामा माइनस 1 कितना है, ln v2 अपॉन v1 और यहां है t2 अपॉन t1। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर इसको अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद हम इसको किस तरीके से आगे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि थोड़ा सा हम इधर से मिटाते हैं, आपको अगर तो आपको एक नया वो सीखना है, एक नई मेथड सीखना है आपको, यहां पे थोड़ा सा इधर से हम इसको मिटाते हैं। इस इक्वेशन के बाद आपको एक चीज सीखे होंगे कि log x टू द पावर y, ध्यान रखेंगे x टू द पावर y होता है तो वो y log x के बराबर होता है। तो जब x टू द पावर y होता है तो y log x के बराबर होता है, तो यहां पर अगर y इसको माने और log x क्या है v2 अपॉन v1, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ln t2 माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सजा लें। अब जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन मिलकर आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो v2 अपॉन v1 हम लोग पढ़ लिए और वहां से क्या हो गया, अब इस इक्वेशन को कुछ हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना, सॉरी यहां पे r है, देखो यहां पर हम लोग सारा चीज माइनस छोड़ते हुए आए हैं, यहां हर जगह हम लोग माइनस छोड़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे क्या है, अगर ये y, एक काम करो एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा लो, ठीक है, वहां से लेकर आओ ln t2 अपॉन t1 और माइनस गामा माइनस 1
और ln v2 अपॉन क्या है, v1 है। अगर इसी को माइनस को अगर हटाए तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, तो ln t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 ln v1 अपॉन कितना, v2 माइनस हटता है तो पावर इंटरचेंज। अब देखो ये अब यहां पर लिख सकते हैं ln t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू ln v1 अपॉन v2 और पावर में कितना, गामा माइनस 1। ठीक है, अब चूंकि दोनों का बेस समान है तो लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के पावर क्या, लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ही हमको ये इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या लिख सकते हो, अब इसी इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि ये t2 अपॉन में t1 इज इक्वल टू v1 के पावर गामा माइनस 1 और v2 के पावर कितना, गामा माइनस 1, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सकते हैं t2 v2 गामा माइनस 1 और t1 v1 गामा माइनस, ये इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, तो t2 v2 गामा माइनस 1 और t1 v1 गामा माइनस 1। ठीक है, तो चूंकि t1 v1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, और जैसे ही हमारे पास चूंकि अगर आप नॉर्मल बातें करें जनरल तौर पर, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिलकर आता है। ठीक है, अब ये जो फाइनल इक्वेशन मिला आप लिख सकते हैं कि टी भी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी भी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, अब कॉन्स्टेंट, और जैसे ही यहां से इक्वेशन हम लोग को मिलता है तो जनरली क्या, एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया टी भी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो अब जैसे ही हमारे पास इक्वेशन मिला तो आपको अगर याद होगा कि इसे अगर हम आगे की तरफ और बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो यहां से अगर आप इक्वेशन पढ़ोगे तो क्या ले सकते हो, T1 अपॉन में T2 या यहां से लिख सकते हैं P1 V1 T2 इज इक्वल टू P2 V2 T1, तो T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में P1 V1 ले सकते हैं। और आपको बता दें कि T2 अपॉन T1 जो है यहां पर क्या है, गामा माइनस, यहां पे T2 अपॉन T1 क्या है, V1 माइनस V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, P2 V2 अपॉन में P1 V1, यह हमारे पास ऑलरेडी जो है दिया, निकाल चुके हम लोग। अब जैसे ही हमारे पास ये निकल कर आया, ठीक है, इस इक्वेशन को आप एक नया जो हम लोग 6 मान के चले थे, इसको आप 7 नंबर इक्वेशन, अभी हम लोग 6 इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास यहां तक इक्वेशन तो निकल गया, अब जरा बताइए आगे की तरफ हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लिखें v1 गामा माइनस 1 अपॉन में v2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू p2 v2 अपॉन में p1 v1, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, v1
गामा माइनस वन अपॉन में वी टू गामा माइनस वन और इंटू क्या, यहां आ जाएगा वी वन और यहां क्या आ जाएगा वी टू, तो पी टू अपॉन में पी वन, या आप लिख सकते हैं पी टू अपॉन में पी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन और इंटू वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, अब इसका पावर क्या है, वन है। जब आपस में जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, जब बेस इसका समान होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, पावर जब आपस में ऐड होंगे तो यहां से क्या होगा, जब बेस समान होते हैं आपको पढ़े होंगे कि x टू द पावर y और इनटू x टू द पावर या x टू द पावर x और x टू द पावर y हो तो आपस में क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, p2 अपॉन में p1 और v1 अपॉन में v2 गामा माइनस 1 प्लस 1 यहां से कटेगा तो p2 अपॉन में p1 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इनटू गामा। ये एक रिलेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक नया रिलेशनशिप निकल कर आता है। और आपको बता दें ये जो गामा क्या है, ये गामा क्या है, सीपी अपॉन सीबी है। ध्यान रखेंगे ये गामा जो है वह क्या है, सीपी अपॉन सीबी, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास इक्वेशन निकल कर आता है तो हम इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी वन भी वन इंटू क्या, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू क्या, हम इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर P1 P2 को हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, P V गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो P V गामा जो होता है वह क्या होता है, एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। ये एक इक्वेशन हम लोग को मिला। और आपको बता दें कि जो इसी इक्वेशन को, जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम, अगर पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही इक्वेशन क्या होता है कि आपको याद होगा कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग सीखे थे कि प्रेशर जो है वह वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,